सातरो गोजो फाइनली वापस आ रहा है एंड अब ये कन्फर्म हो गया है भाई मेरे को माफ कर दो मेरे क्योंकि गिगे अकुतामी ने अपने ट्विटर पे कल ये वाली पोस्ट डाली जो कि भाई पेज है जुजुत्सु काइजन 26 वॉल्यूम का एंड भाई अगर तुम इस पे ध्यान दो तो तुम्हें कौन दिख रहा है इट्स नन अदर देन सातरो गोजो पर तुमने क्या गोजो का फेस नोटिस करा देखने में ऐसा लगता है कि गोजो जमीन पे लेटा हुआ है एंड उसकी आंख में से वेव्स आ रही हैं खाओ मां कसम एंड इसी पेज को देखने के बाद फैंस ने इंटरनेट ब्रेक कर दिया फैंस ने भाई थ्योरीज लगाना शुरू कर दी कि गोजो इज फाइनली कमिंग बैक पर क्या सच में गोजो वापस आने वाला है तो देखो ये जो पेज है उसमें हम देख सकते हैं कि गोजो जो है वो कहीं लेटा हुआ है क्योंकि भाई उसके बाल पीछे को गिरे हुए हैं अगर गोजो कहीं खड़ा होता है तो उसके बाल जो है वो उसके फेस पर आ जाते हैं एंड अगर तुम उसकी आंखें देखो जो कि भाई सिर्फ हमें एक ही दिखाई है उसकी आंख में से वेव्स आ रही है जैसे कि भाई उसने एकदम से आंख खोली है एंड वो दोबारा जिंदा हो गया है तो देखो जुजुत्सु काइजन के अंदर बहुत बड़ा सिस्टम है बाउंडिंग वाउस का जहां भाई बाउंडिंग वाउ का कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि अगर तुम्हें किसी चीज को यूज करना है या फिर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें अपनी बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना होता है या फिर कुछ ना कुछ एबिलिटी अपनी बॉडी की सेक्रीफाइस करनी होती है जब तुम दूसरी चीज को अचीव कर पाते हो एंड ये हमने कई बार होते हुए देखा है जहां भाई हकारी ने अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो जिंदा बच पाए उसने बाउंडिंग वाव का इस्तेमाल करा था अपने आप को बचाने के लिए एंड भाई सुकुना ने भी गोजो को मारने के लिए वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए बाउंडिंग वाव की मदद ली थी तो यही गोजो सातरो भी बाउंडिंग वाव की मदद क्यों नहीं ले सकता क्या अगर मैं तुम्हें बताऊं कि गोजो ने ऑलरेडी ही बाउंडिंग वाव का यूज कर लिया है देखो भाई गोजो बाउंडिंग वाव का कैसे इस्तेमाल कर सकता है अपनी बॉडी का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करके एंड उसने क्या सेक्रीफाइस करा है सिक्स साइज जो कि गोजो के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब भाई उसकी वजह से ही गोजो सातरो है पर उसने अपनी दोनों सिक्स साइज को सेक्रीफाइस नहीं करा क्योंकि भाई ये जो रिसेंट पेज आया है उसमें तुम देख सकते हो कि गोजो की सिर्फ एक ही आइस को दिखाया है ना कि दो आइस को एंड यहीं से ही मैंने ये थ्योरी लगाई है एंड भाई सिक्स साइज बहुत बड़ी पावर है बहुत बड़ी टेक्निक है बहुत बड़ी चीज है तो एक सिक्स साइज को सेक्रीफाइस करके गोजो क्यों नहीं वापस आ सकता एंड अगर तुम इस पेज को गोजो के डेथ पेज से मिलाओ तो ये काफी सिमिलर है दोनों सिमिलर ही क्या भाई दोनों एक ही लग रहे हैं क्योंकि इसमें भी गोजो भाई जमीन पे लेटा है एंड उसमें भी जमीन पे लेटा था भाई तुम कहोगे कि गोजो जब भी तो सिक्स साइज को यूज करेगा जब वो जिंदा होगा जब सुकुना ने उसको वर्ल्ड कटिंग स्लैश से काट दिया था वो तो जबी की जबी मर गया था नहीं भाई हमने चैप्टर 236 में ही देखा था कि जब गोजो की डेथ हुई तो गोजो 5-6 सेकंड तक जिंदा था क्योंकि जब सुकुना गोजो की तारीफ करता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा तो गोजो भाई थोड़ी सी स्माइल दिखाता है तो हो सकता है उस पीरियड ऑफ टाइम में गोजो ने बाउंडिंग वाव का यूज कर लिया हो पर भाई अभी वो सुकुना के सामने यूं नहीं आया क्योंकि वो अभी तक फुल्ली हील नहीं हुआ पर अभी वो बहुत ज्यादा घायल है तो उसको अभी शो को रिवाइव कर रही है वेल अपना ओपिनियन बताना मत भूलना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।